इंडियन आर्मी की ताकत की दुनिया कायल है। एक बार फिर राजस्थान के थार में सेना का साहस देखने को मिला। जैसलमेर में बुधवार को आकाश मिसाइल के एडवांस्ड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। इस मौके पर सेना के अधिकारी और डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट मौजूद थे। इस आकाश प्राइम मिसाइल को भारतीय सेना ने अपनी हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया है। पिछले साल सितंबर में भी इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तब इसने मानव रहित हवाई टारगेट को ट्रैक कर उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया था। इस बार टारगेट कैसा था इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन टारगेट पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। आकाश प्राइम मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव आरएफ सीकर लगा है, जो दुश्मन के टारगेट को पहचानने की एक्यूरेसी बढ़ाता है। मिसाइल के टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस और ग्राउंड सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। मिसाइल के रडार, ईओटीएस, टेलीमेट्री स्टेशन, मिसाइल ट्रेजेक्टरी और फ्लाइट पैरामीटर्स में सुधार किया गया है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश में ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है, जो इसकी स्पीड बढ़ाता है। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। आकाश में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे मल्टीफंक्शन रडार यानी कि एमएफआर लगा है, जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों को स्कैन कर सकता है। आकाश मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। आकाश एनजी का कुल वजन 720 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 19 फीट है और डायमीटर 1.16 फीट। आकाश मिसाइल अपने साथ 60 किलोग्राम के वजन का हथियार ले जा सकती है। फिलहाल भारत में इस मिसाइल के तीन वेरिएंट मौजूद हैं। पहली आकाश एमके, इसकी रेंज है 30 किलोमीटर। दूसरी आकाश MK2, इसकी रेंज है 40 किलोमीटर। तीसरी आकाश एनजी, इसकी रेंज है 80 किलोमीटर। आकाश मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान को नष्ट कर सकती है। इसकी गति 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। आकाश मिसाइल लद्दाख स्थित LAC पर भी तैनात की गई थी। ऐसी खबरें थी कि कई देशों में इस मिसाइल की डिमांड है। 30 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में इन्हें निर्यात करने का फैसला भी लिया था। बहरहाल इस आकाश मिसाइल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल आज तक।